नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कांग्रेस, जेएमएम और तमाम जो उनके जो घटक दल हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं जो लगातार एक अफवाह था आज वो शांत हो गया। लगभग 70 सीटों पे जेएमएम और कांग्रेस ने दावा किया है कि हम दोनों चुनाव लड़ेंगे और बात की जो 11 सीटें हैं। देखिए अब कुछ ही देर में जो रेडिसन ब्लू पे है राहुल गांधी का जो काफिला है वो पहुंचने वाला है। देखिए जिस प्रकार से तमाम जो लोग हैं जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके साथ में पहुंचेंगे। राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े चेहरे में से हैं वो आज रेडिसन ब्लू पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के जो आज चल रहा था खींचतानी आज वो कहीं ना कहीं शांत होने वाला है। बड़ी बैठक है रेडिसन ब्लू में, तेजस्वी यादव हैं और साथ में उनके शिवमन सोरेन के भी आने की संभावना है रेडिसन ब्लू में। देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें कि किस प्रकार से आज राहुल गांधी रेडिसन ब्लू में पहुंच रहे हैं। यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि राहुल गांधी पहुंचे हैं, साथ में रामेश्वर उराव है, केशव कमलेश महतो है और जी ए मीर जो कि यहाँ के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सब भी हैं राहुल, ये तमाम जो लोग हैं एक ही गाड़ी में बैठे थे राहुल गांधी के साथ में। और यहाँ देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी आज साथ में, देखिए पूर्व जो अध्यक्ष है प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर वो भी पहुंचे हैं और भी कई नेता हैं जो यहाँ पहुंचे हैं। देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से कि तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, तेजस्वी यादव इसी रेडिसन ब्लू में होटल में ठहरे हुए हैं, कल शाम देर शाम यहाँ पहुंचे थे और आज कहीं ना कहीं आज जेएमएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। हेमंत सोरेन ने प्रेस से वार्ता की और वार्ता के बाद उन्होंने साफ तौर पर घोषणा कर दिया है कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेगी और बाद बाकी 11 सीटें जो हैं उस पर अन्य जो दल हैं आरजेडी और तमाम जो सीपीआई के लोग हैं वो लड़ेंगे। बता दें कि इस वक्त रेडिसन ब्लू के समक्ष मौजूद हैं और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं झारखंड के, साथ में राहुल गांधी की एंट्री भी जो है झारखंड में आज हुई है, रांची में हुई है और वो भी रेडिसन ब्लू होटल पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव भी पहले से मौजूद हैं इस होटल में और तमाम जो आरजेडी के बड़े नेता हैं झारखंड के वो भी पहुंचे हुए हैं। साथ में आज रामेश्वर उरांव और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव कमलेश महतो वो भी पहुंचे हैं और साथ में राजेश ठाकुर जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे हैं और रामेश्वर उरांव और साथ में कई बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के वो इस होटल में पहुंचे हैं। बता दें कि जेएमएम ने आज सीटों को लेकर के घोषणा किया कि 70 सीटों पे जेएमएम और कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेगी, बाद बाकी 11 सीट जो है वो आरजेडी और उनके साथ जो सहयोगी दल है उस पर वो चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि तमाम आज अटकलों के बीच कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के विराम लग गया। अब सवाल सिर्फ यही है कि आरजेडी को कितने सीटें मिलेगी, इसको लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी के कार्यकर्ताओं में भी तनाव था, आक्रोश था। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग 22 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं तो कैसे भी करके मिनिमम 11 सीटें तो हमें चाहिए ही चाहिए। साथ में से पहले आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका भी बयान आया था कि कहीं ना कहीं हम लोगों को जो हमारा अधिकार है जितने सीटों पर हम लोग बात कर रहे हैं उतना मिलना चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। बस साफ तौर पर उनका कहना था कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें सीट हमारा जो जितना बनता है उतना चाहिए। बता दें कि इससे पहले पिछली जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 7 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी और 7 सीटों के चुनाव लड़ने पर सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, वो भी चतरा से सत्यानंद भोक्ता जो वर्तमान में मंत्री हैं उन्होंने जो सीट निकाला था, बाद बाकी सभी सीटों पे आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से अब कहीं ना कहीं आरजेडी को इस बार सीट की कटौती की बात हो रही थी लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी में नाराजगी है। साफ तो कहना है कि हमारा जो अधिकार है यानी कि हमारा 11 सीट कम से कम चाहिए, 22 सीटों पे हमने तैयारी कर रखी है, उससे कम में हम लोग नहीं मानेंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अब 11 सीटें बची है, जैसे कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने जिस तरह से घोषणा किया कि 70 सीटों पे जेएमएम और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, वहीं 11 सीट जो बच रहे हैं उससे जो तमाम और लोग हैं वो चुनाव लड़ेंगे, कि आरजेडी और सीपीआई के जो लोग हैं वो चुनाव लड़ेंगे। और अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी को इस चीज़ को लेकर के भी एतराज़ होना लाजमी है क्योंकि वो पहले से ही सीटों का डिमांड जो है वो उनका कहना था कि 11 सीट पे कम से कम हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो बच्चा 11 सीट अगर आरजेडी को मिलती है तो सीपीआई
सीपीआई वाले जो हैं वो क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद अब तमाम जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी का आज यहाँ पहुँचना था, संविधान बचाओ सम्मेलन का जो उनका ये कार्यक्रम था उसमें वो रांची पहुँचे थे और एडिसन ब्लू पहुँचे हैं। तेजस्वी यादव पहले से मौजूद हैं, तेजस्वी यादव पटना से सड़क मार्ग से रांची पहुँचे कल देर रात और फिर बाद में उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की और सीएम से मुलाकात करने के बाद अब आज सीएम हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर अनाउंस किया कि 70 सीटें जो हैं जेएमएम और कांग्रेस के बीच में रहेगी। हालांकि उन्होंने ये डिसाइड अभी नहीं किया है, ये उन्होंने बताया नहीं है कि कितने सीटें पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कितने सीटों पर जो है जेएमएम चुनाव लड़ेगी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 70 सीट जो है कांग्रेस और जेएमएम उस पर चुनाव लड़ेगी। बाकी जो 11 सीटें बचे हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब आरजेडी और सीपीआई के जो लोग हैं वो अपने में डिसाइड करेंगे। हालांकि सब लोग मिलकर बात करेंगे और फिर बाद भी इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से आरजेडी के कार्यकर्ता या फिर नेता का डिमांड है कि हमें 11 सीट कम से कम चाहिए, अब उसको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएँ आती है। साथ ही में तमाम जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है वो भी राहुल गांधी के साथ पहुंचे थे, रामेश्वर उरांव साथ में, राजेश ठाकुर थे, केशव कमलेश दास महतो जो हैं वो भी पहुंचे थे और कई बड़े नेता जो हैं इस मीटिंग में कहीं ना कहीं शामिल होने के लिए रेडिसन ब्लू पहुंचे हैं। बैठक होगी, बैठक के दौरान अब भी इसमें मौजूद हैं, सभी लोग मिलकर अब फैसला लेंगे कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। फिलहाल आगे के अपडेट हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी गौरव को दीजिए इजाजत, देखते रहे न्यूज वाइस को, धन्यवाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।